अब हम ला रहे हैं जी कबाब, और कबाब का मसाला बना लिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये टिक्कियाँ बना बना के नीचे जाते हैं। एक लेयर नीचे लगी है, ये नीचे ऊपर छापर रख के ऊपर दूसरी लेयर रहेंगे। अच्छा तो व्यूअर्स, आज जैसा कि हम लोग अपने घर में आ गए, तो मॉर्निंग में हम लोग लेट उठे हैं। अभी कमरान की माँ कबाब बना रहे हैं, तो मैंने कहा मैं पहले बच्चों को कबाब बना के दूँ और साथ नान मंगवा लूँ। तो जैसा कि आपको पता है आज ईद का तीसरा दिन है, तो बस बच्चों को थोड़ा सा मेरा घर में कुछ चीज़ें बनाते हैं, साथ अपने पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, और मुझे अपना बचपन याद आ गया जब अम्मी बनाती थी ना, मेरी अम्मी ने बनाना, तो मैंने अम्मी को कहना मुझे सबसे ज़्यादा ये वाले कबाब पसंद, कि अम्मी जल्दी कीमा करवाएँ तो मुझे ये बना के दे। मेरी अम्मी की तरह जैसे मैं अम्मी से फरमाइश करती थी, आज मेरे बच्चे मुझसे करते। तो बस जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जाती है ना, अपने बचपन की बहुत याद आती है। तो पार्क लेके जाने लगे हैं, देखते हैं बाहर पार्क खुले हैं या नहीं। तो चलें निकलते हैं, मैं और कमरान और बच्चे जा रहे हैं साथ। अब हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में पहले कमरान मुझे उतारेंगे, मुझे रज़ा रुमैसा को, और फिर हम लोग इस्मा माहा को लेके आएंगे। ये देखें जी, इतना पुरसकून व्यू है यहाँ का, और बिल्कुल साइड पे ट्रैक पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। वॉक करते करते हम लोग जा रहे हैं, मैं रज़ा रुमैसा, और ये देखें जी व्यू यहाँ का, देखें कि कितना पुरसकून व्यू है। बिल्कुल पूरी शाहराह जो है ना पुरसकून है, बस थोड़े थोड़े बाइक्स और गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं बस। और ये जी हम लोग इस टाइम पार्क जा रहे हैं, रास्ते में तो कमरान रुमैसा माहा को, इस्मा माहा को लेने गए, मैं रज़ा रुमैसा, हम लोग जा रहे हैं पैदल, बच्चे और मैं, हम लोग वॉक करते करते ये देखिए पार्क में पहुंच गए। बस अब कमरान का और बच्चों का वेट है, वो आए तो फिर हम एंट्री करवाते हैं और फिर अंदर जाएंगे। तो धूप काफ़ी है इस टाइम, अभी ऐसे लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। वैसे तो 5:51 इट मीन्स 6 PM। लोग ये पार्क में एंटर हो गए हैं, और ये देखें जी धूप इस टाइम अभी भी काफ़ी है। बस बच्चे कमरान के साथ आगे चले गए हैं, मैं और इस्मा रह गए हैं पीछे, और ये व्यू है इस टाइम। ये देखें जी बादल बहुत कम है इस टाइम, धूप है ज़्यादातर। आज काफ़ी रश हुआ है, वरना कभी भी ना, मतलब रेस कोर्स पार्क में इतना रश मैंने नहीं देखा। मोस्टली मतलब थोड़े ही लोग होते हैं, इतने नहीं होते, बहुत ज़्यादा आज रश है। ये देखें मांगो धूप, जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, ये जी हम लोग इस टाइम
धूप की वजह से मैंने सन ग्लासेस लगा लिए क्योंकि धूप इस टाइम काफ़ी तेज़ है। मैं सोच रही थी अभी बाहर फ़र्क हो गया होगा मौसम का, लेकिन अभी भी अच्छी खासी धूप है। हालांकि अभी पार्क हम लोग आए हैं बच्चों को लेके, लेकिन इतनी गर्मी है, इतनी घुटन है कि बिल्कुल सांस बंद हो रहा है। तो रश भी बहुत ज़्यादा है आज। फिर मैं वही कह रही, मैंने कहा आज हम लोगों ने गलत हो गया, इस टाइम ही आना चाहिए था। आज बहुत रश है पार्क में, पता इसमें ना मोस्टली नहीं होता रश। तो बस वो देखो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फिर तो मैं यहाँ पर बैठ गई इस माँ के साथ। क्यों बाबा का मांग रहे हैं? बाबा का नहीं, मेरा ले जाओ। बाबा ने अपना मांगा, कह रहे हैं जा ना बाबा, मैं अपनी गाड़ी से चढ़ा। ओ ये रुक, वो मुझसे आगे ना भैया, तेज है तेज है। रजा बच्चे आप इधर आओ ना, इधर मेरे पास आ खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, फिर रेस्ट पड़ जाएगी, फिर आप रह लोगे तो साथ आ जाओ, इधर इधर खड़े हो। जैसा कि आपके साथ हमने ईद के जो कि दो तीन दिन हम लोगों ने गांव में स्पेंड किए हैं, तो आपके साथ वहाँ अपनी सारी रूटीन शेयर की। आपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगे ईद की। माशाल्लाह इतना मज़ा आया हमें वहाँ कि पता ही नहीं चला टाइम कितनी जल्दी गुजर गया है ना। बहुत इंजॉय किया है वहाँ, इस दफ़ा बहुत मज़ा आया जी ईद के ब्लॉग से। आज इस ब्लॉग का आखिरी ब्लॉग आएगा जी, तो ये लास्ट ब्लॉग होगा जो हमारा गाँव का होगा। अभी थोड़ी देर तक मैं अपलोड कर दूँगा, तो फिर जी देखिएगा, बताइएगा कैसे लगे आपको। ये देखें जी, थक थक के आ रही हैं, कुछ सुकून है, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो एंजॉय कर लें, वो खेल रहे हैं। आज बहुत रश है वैसे पार्क में, बहुत रश है जी। मैंने आपको कहा था, मुझे अंदाज़ा था कि ईद के दिनों में रश होता है, तो वरना हम लोग जब भी कभी रेस कोर्स आए हैं तो यहाँ कभी रश नहीं हुआ इस तरह। तो वो खेल ऐसा अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं वापस, और ये शाम हो गई है। हम लोग आए वैसे शाम को, तो कितना प्यारा लग रहा है ना। यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ, और बस अब हम लोग घर के लिए निकलने लगे हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। ये छोटा सा टूर था हमारा, बहुत ही मुख्तसर सा, लेकिन ये है कि चले बच्चों ने थोड़ा एंजॉय कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।